गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके पर्सपेक्टिव से हम देखें तो बहुत ही कॉमन है, और हमारे एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। वो चीज़ है फ्रोजन शोल्डर। अब फ्रोजन शोल्डर का नाम आपने बहुत सुना होगा। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है, ऐसी तकलीफ है जिसमें आपका कंधा जाम हो जाता है और कंधे का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर का मतलब ये है कि हम अपने कंधे का मूवमेंट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि अगर हम हाथ ऊपर ले जाना चाहें तो नहीं जाएगा, इधर ले जाना चाहें तो नहीं जाएगा, बाहर की तरफ करना चाहें तो नहीं जाएगा। सभी डायरेक्शंस में आपके जो कंधा है वो जाम हो जाएगा और उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। अब पहली चीज जो आपको इसमें समझने की है कि फ्रोजन शोल्डर इज नॉट अ मेडिकल डायग्नोसिस। फ्रोजन शोल्डर एक लेमेंस डायग्नोसिस है। जब भी कोई पेशेंट मेरे पास फ्रोजन शोल्डर का तकलीफ लेके आता है तो मेरी दायित्व, तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं उसमें डायग्नोज करूँ एग्जैक्टली कि पेशेंट को तकलीफ क्या है, किस कारण से वो कंधा जाम हो गया है या तो फ्रोजन हो गया है। खैर, समझने की बात यह है कि फ्रोजन शोल्डर वो चीज है जिसमें आपके कंधे का मूवमेंट ऊपर जाने में, साइड में जाने में, बाहर की तरफ अंदर की तरफ करने में संभव या सक्षम नहीं हो पाता है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप अपना हाथ खुद से ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं परंतु कोई दूसरा आपकी हेल्प करके हाथ को ऊपर ले जा पा रहा है तो ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है, तो ये कंधे की वीकनेस है जो ज्यादातर केसेस में रोटेटर कफ इंजरीज की वजह से होती है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर आप खुद हाथ ऊपर ले जाना चाहें और आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है और कोई दूसरा आपका हाथ हेल्प करे और फिर भी आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है तो ये फ्रोजन शोल्डर है। अगर कोई दूसरा आपका हेल्प करके हाथ ऊपर ले जा पाता है तो ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है। इसलिए मैं सभी पेशेंट्स को राय देता हूँ कि फ्रोजन शोल्डर का डायग्नोसिस अपने ऊपर लेबल करने से पहले अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन की, स्पेसिफिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी हटके मैं बोलूँगा कि एक आर्थोस्कोपी स्पेशलिस्ट की, जो शोल्डर जॉइंट का स्पेशलिस्ट हो, उसकी सलाह जरूर लें और उसके अनुरूप आप आगे बढ़ें। अगर ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि आपको फ्रोजन शोल्डर है तो बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो सेल्फ लिमिटिंग है और ज्यादातर केसेस में अपने आप ठीक हो जाती है। अगर हम इसका नेचुरल कोर्स देखें तो करीबन 3 से 4 से 6 महीने में 90% पेशेंट्स में आराम आ जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फ्रोजन शोल्डर दो तरह के देखने को मिलते हैं। पहला एक प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर होता है जिसमें बिना किसी कारण के आपका कंधा जाम हो जाता है, और दूसरा एक सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर होता है जिसमें कोई दूसरे कारण की वजह से कंधा जाम हो जाता है। अब ये दूसरे कारण क्या हो सकते हैं, जैसे हमने देखा है कई बार कि डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है फ्रोजन शोल्डर, जो थायराइड की तकलीफ है हाइपोथायराइड पेशेंट्स से, उनमें फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कोई चोट लगने के कारण, रोटेटर कफ इंजरी के कारण, ऑपरेशन किसी भी तरह का, प्लेटिंग या कोई और शोल्डर की सर्जरी होने के बाद, या कोई किसी और चोट के कारण, कोई फ्रैक्चर जो हमने कंजर्वेटिव ट्रीट किया उसके बाद भी कंधा जो है वो स्टिफ या जाम हो सकता है, जो फ्रोजन शोल्डर की श्रेणी में आ सकता है। अगर हम इलाज की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। आइडियली फ्रोजन शोल्डर अगर आपका डायग्नोसिस बन गया है तो आपको हल्की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज शुरू करनी है। मैं जस्ट आपको बेसिक एक्सरसाइज बता देता हूँ जो आपको करने की ज़रूरत है। शोल्डर के स्ट्रक्स करने की एक्सरसाइज, ऊपर नीचे करने की एक्सरसाइज, रोटेशन करने की एक्सरसाइज, पेंडुलम एक्सरसाइज, हाथ को रिलैक्स करने की एक्सरसाइज, शोल्डर जॉइंट को एक्सटर्नली और इंटरनली मतलब बाहर की तरफ और अंदर की तरफ घुमाने की एक्सरसाइज, हाथ ऊपर ले जाने की एक्सरसाइज और हाथ को साइड में ले जाने की एक्सरसाइज, ये सब आप कर सकते हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड एज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। एक बार आपने ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर ली तो जो बहुत ही अच्छा वे है एक्सरसाइज करने का, उसको हम थेरापेंट्स बोलते हैं, और उसके ऊपर हमारा एक दूसरा वीडियो है जिसको एडवांस शोल्डर रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल कहा गया है। वो आप वीडियो देख के उसके अनुरूप बेल्ट के साथ एक्सरसाइज करने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये एक बेसिक चीज़ है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ और थायराइड आपको रूल आउट कर लेना चाहिए, और डायबिटीज़ और थायराइड अगर आपको है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस आपको कंटिन्यू लेते रहना चाहिए। मेडिकेशंस आपको अपने आपके जो भी आर्थोस्कोपी स्पेशलिस्ट है, शोल्डर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से वो लिख देंगे, और वो मेडिसिन भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लोकल जेल, लोकल ऑइंटमेंट्स कर सकते हैं, लोकल फिजियोथेरेपी के कुछ मॉडलिटीज, अल्ट्रासाउंड वगैरह ले सकते हैं।
मैं कई बार देखता हूँ कि कई पेशेंट्स अगर ये तकलीफ में आराम नहीं आ रहा है, फ्रोजन शोल्डर बहुत खराब हो गया और पेन बहुत है, कई लोगों को रात में नींद भी नहीं आती है, तो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। तो इसमें निराश होने जैसी कोई भी बात नहीं है। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसकी तकलीफ ठीक नहीं हो रही है, पेन बहुत ज़्यादा है, रात में नींद नहीं आ रही है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं, तो एक बहुत छोटी सी टेक्निक हमारे पास है जिसको आर्थोस्कोपी बोलते हैं, और वो करके हम ये पेशेंट्स की तकलीफ जो है वो परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। इट्स ए स्मॉल प्रोसीजर, आधे घंटे का एक प्रोसीजर रहता है जिसमें हम दूरबीन से अंदर जाके जो स्नायु टाइट रहता है उसको हम दूरबीन से, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, उससे रिलीज कर देते हैं, और जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आपके ये यूट्यूब के माध्यम से आपकी तरह यही संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि निराश ना हो, परेशान ना हो। अगर आप तंग आ गए हैं, तकलीफ आपको बहुत परेशान कर रही है, तो हमारे पास इसका अच्छा सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो उसमें कोई घबराने वाली या डरने वाली बात नहीं है। एक आर्थोस्कोपिक रिलीज की टेक्निक होती है, उसका भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वी बी वेरी हैप्पी टू आंसर, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा चैनल जो एडवांस हॉस्पिटल्स है YouTube चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, तो इसी तरह के वीडियोज़ आपको मैं आगे और देता रहूँगा। थैंक यू।